है वो हम करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, इससे ऊपर का जो सारा हम कवर कर चुके हैं बैंकिंग रेगुलेशन जो अमेंडमेंट आया 2020 उससे पढ़ेंगे। उसमें एक ऑर्डिनेंस लेके आया, अमेंड किया गया 1949। देखो बैंकिंग रेगुलेशन के तीन एक्ट हैं, एक तो RBI एक्ट 1934 है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 जिससे RBI कंट्रोल करता है चीज़ों को बैंकिंग रेगुलेशन के लिए। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें क्या था कि पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे ये अंडर में नहीं आते थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक अभी लास्ट ईयर भी फेल हुए हैं, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक तो फेल हुआ है, तो उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए तो ये अमेंडमेंट लेके आए। तो सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए या मल्टी स्टेट, एक से दो तीन स्टेट में होता है कोऑपरेटिव बैंक, एक ही जो दो तीन स्टेट में हो, वो सारे RBI ने अपने अंडर ले लिया। तो उनका सुपरविजन किसने, RBI ने अपने अंडर ले लिया। ऑर्डिनेंस ऑल्सो अलाउड RBI टू मेक ए स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगेशन, मतलब उनको मिला भी सकता है जैसे बैंकिंग कंपनी विदाउट इम्पोजिंग द मॉरेटोरियम। तो इन सब चीज़ों को RBI ने ऑल ओवर सब कंट्रोल ले लिया। अब इससे क्या होगा, जो बोर्ड था एक इनका बैंकिंग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड होता है, इलेक्शंस होते थे, उस बोर्ड को भी सुपरसीड कर जाएगा RBI विद द स्टेट अंडर स्टेट लॉ आफ्टर कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर RBI को उनके ऊपर सुपरसीड करना है उस बोर्ड के ऊपर भी, तो RBI स्टेट की कंसल्ट से कर सकता है। बस इसमें कौन सी चीज़ इसके अंदर नहीं रखी गई है, एक तो जो स्टेट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, तो स्टेट जो कोऑपरेटिव लॉ के अंडर आती हैं वो इसके अंदर नहीं रखी गई हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं रखी गई, इनके ऊपर सुपरविजन RBI का नहीं है। दोनों के मल्टी बैंक के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव के लिए दोनों का सुपरविजन किसका हो गया, अब हो गया RBI का। तो ये पहले में था। दूसरी न्यूज़ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरह से अम्ब्रेला बॉडी है जो आप इसे IMPS करते हो, इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र करते हो, UPI का यूज़ करते हो, ATM का यूज़ करते हो, तो जैसे पैसा आपके अकाउंट से कटा दूसरे के अकाउंट में गया तो कौन देखता है बीच में, तो यही वो एजेंसी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट करते हैं रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। जैसे आपने POS मशीन का यूज़ किया तो कौन देखता है, यही देखता है। ये इनिशिएटिव किसका था, RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का मिलकर उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की थी अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, देखो ये आ गया 2007, टू क्रिएट ए रोबस्ट पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हो सके। ठीक है, एक ही नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक तरीके से गए, और ये सब बैंकों ने मिलकर RBI ने मिलकर एक साथ मिलकर बनाई है इंडियन बैंक एसोसिएशन। फिर आती है फार्मिंग प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स, ये प्रमोटिंग एंड फैसिलिटी ऑर्डिनेंस, जो आपको पता है तीन बिल जो लेकर आए किसानी के, वो एक बिल ये वाला बिल है, उसमें से वन ऑफ द बिल ये है जिसके सब मंडी ओपन हो जाएंगे, आप मंडी के बाहर भी खरीद सकते हो फार्मर से, मंडी के अंदर भी खरीद सकते हो, किसी स्टेट में भी जाके आप बेच सकते हो। बोथ एग्रीकल्चर एंड द मार्केट आर द स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर तो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को अपने हिसाब से देखना चाहिए, पर सेंटर ने किसके अकॉर्डिंग लेके किया है, कॉमर्स इन फूड स्टफ इन द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट उस थ्रू इट्स ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, अभी ये बिल नहीं पास हुआ है, अभी ये ऑर्डिनेंस ही है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो आपको प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेते हैं जब कोई भी सेशन पार्लियामेंट का किस में ना रहे, मतलब कोई भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना रहे, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है, क्योंकि कोई बिल पास कराने के लिए दोनों सदन, मतलब जो दोनों पार्ट है पार्लियामेंट के, उनकी मतलब कि उनको पास करना पड़ता है बिल को। तो ये और मौजूद कल मैक्सिमम जो मतलब ऑर्डिनेंस बच सकता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 मंथ क्यों, क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम जो टाइम हो सकता है वो 6 मंथ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर एक बार सेशन स्टार्ट हुआ जो आप ऑर्डिनेंस लेके आए थे प्रीवियस डेज में, उसको आपको 6 वीक के अंदर पास कराना है, तो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है एक ऑर्डिनेंस का, 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो ये सारी चीज़। दूसरा ऑर्डिनेंस क्या था, एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955, ये जो एक्ट है अगर इसके अंदर कोई चीज़ रख दी जाए, इसके अंदर ड्रग्स भी रख दी जाते हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर रख दी जाए तो रेगुलेशन क्या होता है, गवर्नमेंट का हो जाता है ना, आप जमाखोरी कर सकते, स्टॉक कर सकते, ना चीज़ों को महंगी दाम पे बेच सकते। तो इसके अंदर अब क्या किया गया, जो पल्सेज हैं, ऑयल सीड है, एडेबल ऑयल है, ओनियन, पोटैटो, इनको डीरेगुलेट कर दिया गया, इससे बाहर कर दिया गया है। तो कितनी भी आप स्टॉक करो, कुछ भी करो इन सब चीज़ों का, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोडक्शन कितना ही करो, स्टोरेज कितना करो, मूवमेंट कहीं भी, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। इसके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या एक्ट इसके अंदर है, ये एक्ट सेपरेटली आप पढ़ लेना जाके। फिर आता है रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड
ऑफ 1998। एक तरह से नॉट सॉवरेन बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड नहीं है। सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, जो विदेश में इधर उधर निकाला जाता है, बट इशू बाय द एसबीआई। तो आपको आरबीआई ने इशू नहीं किया, एसबीआई ने इशू किए हैं। इन 998 में किए थे, क्यों किए थे ये? इन्वेस्ट इन द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बायकॉट ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल, मतलब तरीके से, मतलब जो बायकॉटेशन हो रहा है उसको मतलब रोकने के लिए। तो ये आपको याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एसबीआई ने लॉन्च किए थे। सेल ऑफ लोन एंड एक्सपोजर, ठीक है, ये किए गए चीज़ें। आरबीआई रिलीज ए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन, आपका एक्सपोजर्स जो है आपके लोन सेल में भी आर रिस्टोरेड बाय द लेंडर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो इसमें लेस इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंट करंट अफेयर है, इससे बहुत लेस इन्फॉर्मेशन होती है। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जब पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ रखा हो, कोई मैगजीन हमने पढ़ रखी हो, जो भी करंट अफेयर की मैगजीन्स होती हैं हम कंटिन्यूसली उसमें पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर ये पढ़ोगे तो आपके माइंड रिकॉल करेगा। अगर आपको इंस्टेंट देखना है तो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। आपने एक वोडाफोन का केस सुना होगा, मैं आपको थोड़ी चीज़ थोड़ा आइडिया दे दूँ। तो वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में गया था कि हम इतना पैसा कैसे भरेंगे। इनका क्या था, जो भी इनका टेलीकॉम मतलब सर्विस में जो भी इनको प्रॉफिट होता था उसका टैक्स भरते थे, पर जो नॉन सर्विस नॉन टेलीकॉम जो काम और भी करते हैं ना, अभी वोडाफोन है, ये नहीं है कि आपको मतलब आपको कि टेलीकॉम का काम करता है, ये और भी काम करता है। साइड बाई साइड इसके ऑफिस होते हैं, ऑफिस का वो होते हैं, उसके बाद फ़ोन भी बेचता है और भी काम करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला कि आपको जो पैसे भरने हैं वो स्पेक्ट्रम डिवाइड इनटू स्पेक्ट्रम लाइसेंस फी, ठीक है ना, 3% 8% रेस्पेक्टिवली डिवाइड किया। फिर इन्होंने किया कि कैलकुलेट किया कि ऑल द रिवेन्यू अर्न बाय द टेलीकॉम, ये नहीं कि आपने जो नॉन टेलीकॉम में पैसा कमाया है उसको ये ऐड नहीं कर रहे थे जो वोडा मतलब कि टेलीकॉम वाले हैं, पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो बोल रहा था जो भी आपने रिवेन्यू कमाया है आपको सबका टैक्स देना है। तो ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन बताई कि एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू क्या होता है, वो हिसाब से जो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने बताया वही माना जाएगा। तो ये वो वाला चीज़ है, एजीआर आपको याद रखना है। इसमें दोनों चीज़ आती हैं, नॉन टेलीकॉम और टेलीकॉम, दोनों चीज़ आती है जो भी आपने रिवेन्यू कमाया है। उसके बाद मूडी रेटिंग, ये कुछ नहीं, एक रेटिंग एजेंसी है जो आपको जो आपकी जो इंडिया के मतलब वर्किंग कैसी चल रही है, इंडिया की मतलब प्रोग्रेस कर रही है, तो ये इंडिया की रेटिंग करती है कि डाउन मतलब करेंसी की रेटिंग करती है कि इंडिया मतलब फॉरेन जो करेंसी है मतलब इंडिया में डाउनग्रेड हो रही है या बढ़ रही है, लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशू क्या है, मतलब तो हमारी जो रेटिंग है BBA3 है, तो मतलब हमारी मिडिल में, ना इतनी ऊपर है ना इतनी हाई है। इसके हिसाब से हमारे पास जो FDI इनफ्लो आता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, अगर रेटिंग अच्छी होती है तो इससे क्या पता लगता है कि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इंडिया में करके, अगर रेटिंग अच्छी होती है। अगर रेटिंग कम होती है तो लोग सोचते हैं इंडिया कभी भी डूब सकता है, रेटिंग बहुत कम है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते उस चीज़ को देखने के लिए। जैसे आप रेटिंग से फूड मंगाते हो कि 4% प्लस अच्छा खाना होगा, 3% तो बेकार हो सकता है, तो वही एक तरह से मूडी रेटिंग कंपनी है। ये क्या करती है कि मतलब कि फर्दर आपके डिस्ट्रोडक्शन गवर्नमेंट फिस्कल पोजिशन, कि गवर्नमेंट की फिस्कल पोजिशन क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड उसके हिसाब से इंडिया में आता है। इंडिया जस्ट वन ऑफ द नोच अबव नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंग, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही है बस, इंडिया थोड़ा सा ऊपर है जो इंडिया की मिडिल में, ना इतनी ऊपर है ना इतनी नीचे है। उसके बाद है कमेटी टू ओवरसी द ऑनरशिप ऑफ मतलब प्राइवेट बैंक, जो जो प्राइवेट बैंक की है ऑनरशिप है ओवरसी करेगी प्राइवेट कमेटी, मतलब प्राइवेट बैंक में कमेटी बनाएगी। किसने बनाई है, RBI ने बनाई है, उसमें PK मोहंती हैं, आपको इतना याद रखना है। ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PK मोहंती, ये ओवरसी करेंगे जो प्राइवेट बैंक का कैसे वो काम कर रहे हैं, उनका इंटरनल वर्किंग ग्रुप कैसा है, कुछ गाइडलाइंस बताएंगे आप कैसे अच्छा करना चाहिए। तो PK मोहंती की कमेटी क्या है, टू ओवरसी द ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक। फिर आता है तुरंत आपको कस्टम, ये क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने लॉन्च किया है, आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। आप इसमें क्या है, तुरंत कस्टम एट बेंगलुरु एंड चेन्नई, दो ही जगह है, पैन इंडिया नहीं है, दो ही जगह है, जो आप इंपोर्ट करके लाते हो देशों से, जल्दी से जल्दी से क्लियर हो सके कस्टम से, मतलब फेसलेस असेसमेंट हो सके। जैसे आपने कोई भी चीज़ विदेश से इंपोर्ट होकर आपके दो पोर्ट पे आई बेंगलुरु चेन्नई में, अब बहुत टाइम लगता है मतलब उसे वहाँ से क्लियरेंस मिलने के लिए इन सब चीज़ के लिए, तो एक तो जल्दी से जल्दी फेसलेस असेसमेंट हो चुके, जल्दी से जल्दी हो चुके, तो उसके लिए क्या स्कीम चलाई गई, तुरंत कस्टम। तो आपको याद रखना बेंगलुरु और चेन्नई में स्टार्ट की गई, इतना याद रखना। फिर रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ MSME, ये अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोबारा दोबारा कई बार रिवाइज हुई है, तो आपको थोड़ा बता देते हैं। जिसमें 10 लाख to 5 करोड़ दे रखा है, ठीक है ना, उसके बाद 2 करोड़ to 50 करोड़ दे रखा है, ये डेफिनेशन दोबारा चेंज हो गया, तो मैं आपको डेफिनेशन अलग से बताऊंगा, अभी लास्ट जो मैगजीन पूरी करेंगे उसमें मिल सकती है, ये वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बॉर्डर
एडजस्टमेंट टैक्स, ये कोई बॉर्डर का एडजस्टमेंट नहीं है कि हमारा बॉर्डर ले लो, आपका बॉर्डर ले लो, थोड़ा टैक्स ले लो, नहीं, इसे बोला जाता है बैट। इट इज़ अ ड्यूटी प्रपोज बाय, मतलब कि इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड एडिशनल टू द कस्टम डीप। जैसे आप करते हो, आप चीज़ों में मतलब आप कोई सामान खरीद लाए, इम्पोर्टेड आपने कोई सामान इम्पोर्ट किया, एक तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो 10 रुपये दिए, तो ये क्या है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, क्या ये टैक्स ऑन टैक्स है। आप पहले तो आप कस्टम ड्यूटी दोगे, उसके ऊपर फिर कुछ परसेंट आपको बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स देना होगा, जैसे आप सरचार्ज और सेस देते हो उसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो ये कस्टम लेवी के बाद एडिशनल एक तरीके से बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, डेट गिव्स चार्ज एट द पोर्ट ऑफ द एंट्री, जब पोर्ट में एंट्री करते हैं। रिसेंटली नीति आयोग मेंबर ने इम्पोज करने के लिए बोला था कि क्योंकि हमारी जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो बच जाए। आप देखो बाहर से 4 रुपये में चीज़ बन के आ रही है, पर जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में पड़ रही है वो 10 रुपये पड़ रही है, ठीक है, आपने उसमें क्या लगाया, इतनी हैवी आप कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते क्योंकि WTO है और भी नेशंस हैं। तो उसके बाद क्या किया कि हमने उसमें 2 रुपये कस्टम ड्यूटी लगा दी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी 2 रुपये लगा दी, और फिर हमने 3 रुपये उस पर क्या लगा दिया, 3 रुपये देखो कस्टम ड्यूटी लगा दी, और हमने फिर 2 रुपये क्या लगा दिया उसमें, हमने लगा दिया बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो एक 10 रुपये हो जाएंगे पूरे, 5 रुपये की चीज़ है वो इंडिया में 10 रुपये की बन रही है, ठीक है, तो पूरे 10 रुपये हो जाएंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड गेम हो जाता है एक चीज़ के लिए, इसलिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, ये क्या है, एक फंक्शन अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है। इट इज़ इंडिया चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस, तो आपको याद रखना है इंडिया की चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है वो कौन है, वो DRI है, आपके डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। DRI ऑल्सो है डेस्टिनेशन, उनको एक डेस्टिनेशन और दी गई एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर SCOD, तो उसके भी वो क्या है, उसे भी लीड करते हैं, कौन करते हैं, DRI, ऐसे याद रखना। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट फिगर 2020 रिपोर्ट, तो आपको ये रिपोर्ट है इनको याद रखना है कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट फिगर कैसी है पूरे इंडिया में, उसकी रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट आई है, किसने निकाली, CSE ने निकाली, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने रिपोर्ट निकाली है। इट इज द स्टेट दैट इंडिया हैज़ 50 लाख इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय द डिजास्टर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक फ्लड एंड साइक्लोन ड्रॉट इन 2019 में, मतलब कि 5 मिलियन के आसपास लोग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किया है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, इंटरनल माइग्रेंट बोल दो, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। आपको जो मैंने आज हिंदू पढ़ाया था, हिंदू मैंने आपको क्लियर बताया था आज के हिंदू में कि मैंने पूरा डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इंटरनल जो माइग्रेशन है, हमने मेंस आंसर राइटिंग भी की थी, तो आपको देखना था एक बार वो वीडियो देख लेना, हमने माइग्रेशन मतलब कि माइग्रेंट्स के ऊपर आंसर राइटिंग भी की थी, और हमने एक्सटर्नल और इंटरनल माइग्रेंट भी पढ़े थे, मतलब माइग्रेशन कैसे होता है, किस में स्टेट में ज़्यादा आते हैं, कितना होता है, हमारे किस कंट्री के अंदर ज़्यादा आदमी रहते हैं इंडिया के डायस्पोरा, तो हमने पूरा पढ़ा क्योंकि वो GS Paper 1 का टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। फिर एक ऑयल स्पिल हुआ है, मतलब कि ऑयल लीक हो गया है, कहाँ पे हो गया, ये आपका करासाइनो यास्कर, मतलब यासक करके जगह है रशिया में, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रहा मैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है, आपको उसे याद रखना है, आपको अंबर नाया रिवर याद रखना है, ये कहाँ पे है, रशिया के आसपास है, सरेबिया के आसपास है, ठीक है ना, ये लेक आपको पैसिनो भी याद रखना है, पैसिनो भी याद रखना है, तो ये कहाँ पे है, बस लोकेशन याद रखना है। ये ऑयल स्पिल क्या होता है कि जैसे कोई भी पावर प्लांट था फ्यूल का, वो लीक हो गया, तो इतना टन जो फ्यूल है वो बाहर निकल गया, तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी की जाती है, मतलब अगर आपको ऑयल स्पिल हो जाए, मतलब क्या होता है डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाता है तेल, तो उसके लिए कुछ, उसको ठीक करने के लिए कुछ मतलब की एक्टिविटी की जाती है, कोई बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, स्पेशल पेपर का यूज़ किया जाता है, तो वो आपको चेक करके कमेंट में बताना, वो मैं नहीं बताऊँगा। फिर घी, जो घी लॉयन है या एशियाटिक लॉयन बोल दो, या आपको आपको उसको पैंथ्रा लियो आपको पर्सिका बोल दो, ये एक तरह से एंडेंजर स्पीसीज है, Schedule 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके 4-5 शेड्यूल है, मतलब कि शेड्यूल्स हैं, तो उसमें आप किस एनिमल को, 6 शेड्यूल है उसके अंदर, ठीक है, अपेंडिक्स 1 के अंदर, सॉरी शेड्यूल तो है उसके अपेंडिक्स, मतलब शेड्यूल उसमें 6 हैं, किस प्रोटेक्शन के हिसाब से एनिमल की, कि कितनी प्रोटेक्शन है, कितनी प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ एनिमल को मारने की परमिशन है, तो आपको बताना है वो कौन से शेड्यूल में आता है। फिर ये साइड जो ट्रेड करते हैं आपस में देश, एक दूसरे देश और देश में, उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है। इस वन ऑफ द, मतलब इंडिया में 5 तरह के आपके पैंथरिक कैट्स मिलती हैं, जो ये पैंथरिन कैट्स हैं, जो टाइगर हो गया, ये सब हो गया, ये सब इंडिया में 5 तरह की मिलती हैं,
तो उनमें से वन ऑफ द कौन सी है, उसमें गिर लॉयन है, इन्हें एशियाटिक लॉयन भी बोलते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा इनके अंदर 8 या 9 हैदराबाद की जू के अंदर इनके अंदर कोरोना पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, तो आपने देखा होगा एशियाटिक लॉयन ही है। उसके बाद और 4 कौन से, बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन लियोपार्ड हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया और क्लाउडेड लियोपार्ड हो गया। आप कैसे पूछ ले, ओनली यही कैट्स मिलती हैं ऐसा नहीं है, 5 और भी मिलती हैं, पर ये कहाँ पे मिलते हैं, वो उसके गुजरात के साइड में मिलते हैं। तो जितने नाम ही गिर है, तो गिर नेशनल पार्क हो गया, गिर सेंचुरी हो गया, पानिया सेंचुरी हो गया, आपका मिथियाला सेंचुरी हो गया, गिनार सेंचुरी हो गया, तो इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े इनके नंबर ऑफ कम भी हैं, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, ये आसाम के अंदर है, ये बाउंड्री करता है ब्रह्मपुत्र लोहित रिवर, ठीक है। नॉर्थ में इसकी कौन सी रिवर है, नॉर्थ में इसकी ब्रह्मा रोहित है और साउथ में कौन से डिब्रू रिवर है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका आसाम में। फिर आता है मागुरी मोटापंग बीर करके इसका नाम है, मागुरी मोटापुंग बील नाम है इसका, ये वेटलैंड है आसाम में है। ये कहाँ पे, गेटवे ऑफ डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क में एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, उसके आसपास ही वेटलैंड है, गेटवे है उसमें। अगर आपको इस पार्क में, नेशनल पार्क में जाना है डिब्रू शिकोवा, तो इस वेटलैंड से निकलना पड़ेगा। तो मागुरी मोटापुंग बील करके इसका नाम है, डिक्लेयर द इम्पॉर्टेंट बर्डिंग साइट इसको घोषित किया गया है, किसने किया है, बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है। फिर आता है हिंद गिराबारी रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी आसाम में है, गुवाहाटी की लंग्स बोला जाता है इसे, तो आपको याद रखना है हिंजिराबारी रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद आता है एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मतलब एशियाटिक लॉयन भी कम हो रहे हैं रिसेंटली, आपने देखा होगा, देखो इनमें कितना खतरा है, 23 पहले मरे थे, मैंने अभी कोरोना पॉजिटिव बताया आपको 8-9, तो ठीक है इनके लिए स्कीम चलाई गई, किसने चलाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है ना, वर्ल्ड लास्ट फ्री पॉपुलेशन ऑफ एशिया जो आपकी लॉयन है उसको बचाना है एक तरीके से। अभी डेथ हुई थी रिसेंटली, बहुत सारे मर गए थे, उसमें डिसीज़ आ गई, CDV डिसीज़ का नाम है, कैनिंग बोल दो आपको, डिस्टेम्पर वायरस नाम बोल दो इसका, कैनिंग डिस्टेम्पर वायरस, या फिर टिक बॉर्न आपका बेबीसियोसिस नाम है उसका। ये फंडेड कौन करेगा इस प्रोजेक्ट को, सेंट्रल स्पॉन्सर है, मतलब स्पॉन्सर मतलब स्टेट भी देगी और सेंट्रल भी देगी। मेरी एक स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम में आप जाओगे वहाँ पे मैंने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर कोर ऑफ द कोर स्कीम, कोर स्कीम में क्या डिफरेंस है मैंने बताया हुआ, एक बार आप जाके वीडियो देख लेना। 640 ऐसे पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। फिर आता है इंडियन गौर, ये क्या है कि गौर इसे बाइसन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट फैमिली है, मतलब कि वाइल्ड कैटल में ग्रेजिंग जो एनिमल है। इसका स्टेटस क्या है, IUCN का वर्नेबल स्टेटस, फेमस कहाँ पे है, यहाँ पे नागरा होले, बंदीपुर, आपके कबानी और मशीनगुड़ी आपका मुद्दूमलाई में है नेशनल पार्क, वहाँ पे से बहुत फेमस है। तो आपको जाना है और चेक करना है नागरा होले कहाँ पे है, आप ये खुद वर्क करो, क्योंकि IPS आपको बनना है, ऑफिसर भी आपको बनना है, मुझे बनना है, मैं अपने लिए वर्क करता हूँ, तो आपको ईजी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा आप भूल जाओगे, अगर आप खुद सर्च करोगे तभी आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। जाता है बैंड टेल आपका स्कॉर्पियन फिश, इसका नाम है साइंटिफिक, आप पढ़ लेना, बैंड टेल साइंटिफिक नाम इतने नहीं पूछता है वैसे, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, क्योंकि जनरल एग्जाम है, लोग इसे क्या करते हैं, इतने PhD कर लेते हैं चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ पूछी नहीं जाती है, ये एक जनरलाइजेशन एग्जाम है, जनरल चीज़ है, इसमें सबको इक्वलेंट काउंट किया जाता है, सबको इक्वल, चाहे वो डॉक्टर दे एग्जाम को, चाहे एक आर्ट्स का स्टूडेंट दे, चाहे इसमें ITians दे, चाहे उसमें आपका BCom का स्टूडेंट है, सबको इक्वल परफॉर्मेंस देनी है। तो सबके लिए जनरलाइजेशन एग्जाम, आप कोई डॉक्टर देगा इसे या फिर कोई साइंटिस्ट देगा इसे एग्जाम को, तो उसके लिए तो ईजी होगा, तो बट वो क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल टर्म यूज़ करते हैं, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। ये क्या रिसर्च की गई है रिसेंटली, सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च सेंटर है, आपको बताना है ये कहाँ पे है, इसने फाउंड किया है स्कॉर्पियन फिश को, जिसका नाम इतना लंबा है, ठीक है ना, कहाँ पे किया है आपका, सीतुकराई कोस्ट जो है तमिलनाडु के आसपास, गुल्फ ऑफ मन्नार, जैसे ऐसे इंडिया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु का कौन सा कोस्ट है आपका, सीतु काराई करके कोस्ट है, यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे इसको फाइंड किया गया है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम पर्टिकुलर स्पीस आर डिस्कवर अलाइव, मतलब लाइव जिंदल, मतलब इंडियन वाटर में पाया गया, ठीक है ना। इसे बेंटेल स्कॉर्पियन बोला जाता है, आपको थोड़ा नाम याद रख सकते हो, स्कॉर्पियोनिसिस करके नाम है इसका, नेगलेक्टाइस का जो नाम है, ठीक है ना। तो स्पाइन विद ए कंटेन आपका न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है इसके अंदर, एबिलिटी टू चेंज द कलर, तो ग्रिड की तरह कलर बदलती है। चलो सेंटर जो फिशरी मेराइना वो कहाँ है, कोची के अंदर है, 1967 में डेवलप किया गया था। उसके बाद आता है मालाबार आपका ग्लिंडिंग फ्रॉग, एक तरह से रेन फॉरेस्ट का फ्रॉग है जो वेस्टर्न घाट में पाया गया है, ये रेयर एम्फीबियन है, मतलब कि बहुत रेयरली फाउंड होता है, ठीक है, 10-12 किलोमीटर की, मतलब कि एयर अप कर सकता है, जंप करता है, उतना जगह
कर सकता है, तो कितनी लंबी कूद सकता है? 12 मीटर तो बहुत होता है, घर के बराबर कूद सकता है एक पूरा एक नॉर्मल जो होता है। तो उसका साइंटिफिक नेम है उसका राकोफोरस करके, मालाबेरिकियस करके इसका नाम है, ठीक है ना। पुलाड केरला के साइड में मिला है, लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है IUCN। उसके बाद है घी गोल्डन लंगूर या गोल्डन लंगूर बोल दो, ये एपिडेमिक है, मतलब कि कैसे सेमी एवरग्रीन और मतलब कि मिक्स डेसिडुअल फॉरेस्ट में मिलता है। और ये क्या है, ये एंडेमिक है, सॉरी एपिडेमिक नहीं, ये एंडेमिक है। एंडेमिक का कि मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर उस एरिया में मिलना। आपने सुना कोरोना बनानी पहले क्या थी, एंडेमिक थी, चाइना के अंदर थी, फिर पेंडेमिक होगी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो उसे बोलते हैं एंडेमिक और पेंडेमिक में आपको पता लग गया। तो ये एंडेंजर आपको स्पीसीज है मंकियों के बीच में, ओनली इन आसाम इंडिया में पाया जाता है, ओनली इन आसाम और भूटान, जो आसाम का भूटान का बॉर्डर है उसी एरिया में पाया जाता है, पर इंडिया में ओनली इन आसाम में पाया जाता है। थ्री रिवर के आसपास देखा जाता है, ब्रह्मपुत्र, मानस और आपका संकोच, जो रिवर है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटीज हैं दोनों, मानस और संकोच, तो ब्रह्मपुत्र के आसपास ही देखा जाता है। ये 2500 मीटर ऑफ द सी लेवल, मतलब ये ऐसे थोड़ा हिल्स पे रहता है कि 2400 मीटर ऊपर होना चाहिए सी लेवल से, वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है हॉट शू क्रैप, एक तरह से मैराइन का, एक तरह से एंथलो क्रैप तो आपने देखा होगा, वो खाते वाते भी हैं लोगों से क्रैप व्रैप को, तो ये सॉफ्ट सैंडी मडी बॉटम स्वैम्पी है, मोस्टली आर इंटीरियर बीचेस साइड में आपको देखा होगा। लिविंग फर्जाइल मतलब कि फॉसिल, एक तरह से मैराइन लिविंग फॉसिल इसको बोला जाता है, डायनासोर के टाइम का इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इंजन है, एक तरीके से प्रिडिक्टेटर है, मतलब कि कैसा इकोसिस्टम आपका चलता आ रहा है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। ये शेड्यूल 4th में आता है, मतलब प्रोटेक्शन है पर लीस्ट प्रोटेक्शन है, इतना आप इसे मार दोगे कुछ कर दोगे इतना नहीं होगा, पर शेड्यूल 1 में जो होता है उनके ऊपर आपको बहुत लंबी सजा हो सकती है। हॉर्स शू क्रैब ऑफेंसिव है, मैंने बोला ना है, पर IUCN जो डिसाइडेड है, मतलब कि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे। आपको पता है क्या करना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा गोल्डन लंगूर, आपको तुरंत गूगल पे सर्च करना चाहिए, गूगल पे सर्च करके आपको इसकी क्या देखनी चाहिए, फोटो देखनी चाहिए कैसा दिखता है, तो उसके आपकी मेमोरी है ना वो आपको रिकॉल करेगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया, तो आपको याद रखना है उड़ीसा बहुत ही गरिमाटा, तो बहुत सारी चीज़ों को उड़ीसा में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उड़ीसा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया। फिर आता है मकाऊ, मकाऊ करके एक जैसे लॉन्ग टेल है, ये कलरफुल है, और न्यू वर्ल्ड पैरट है, एक तरह से न्यू वर्ल्ड पैरट है। दे आर पर्टिकुलर एवी कल्चर, मतलब कि पॉपुलर इन एवियर कल्चर, ठीक है, नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना। आपने देखा होगा एक पैरट, खूबसूरत सा पैरट, उसकी लॉन्ग टेल होती है, मतलब आपने देखा होगा खूबसूरत सा पैरट होता है इन नॉर्थ अमेरिका, ओनली इन मेक्सिको, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, नेटिव कहाँ का है, टू सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ मिलता है, मेक्सिको। आप पे कन्फ्यूजन होता है सेंट्रल नॉर्दर्न क्या क्या अमेरिका होते हैं, आप पढ़ना लैटिन भी होता है सेंट्रल भी होता है, मैंने शायद किसी पढ़ाया था किसी हिंदू के डिस्कशन में, लैटिन कौन सा होता है, सेंट्रल कौन सा होता है, साउथ कौन सा होता है, और आपका कौन सा नॉर्दर्न कौन सा होता है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो कहाँ पे मिलता है, ये साइट की जो है आपका कंजर्वे, मतलब कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज वाइल्ड एंड फ्लोना, ठीक है ना, तो उसने प्रोटेक्टेड किया है, उसके अंदर इसको प्रोटेक्टेड किया गया, तो आपको याद रखना है कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, सेंट्रल अमेरिका में, और बहुत खूबसूरत प्राणी है। फिर बेबी ड्रैगन है करके ओलम्स है आपका, जिनके नाम अलग अलग है, ओल्स में है, पेरिटियस है, तो बेबी ड्रैगन ये क्या है, एक तरह से क्या है कि पिंक स्किन का था, नो आई साइड है इसके, ए लॉन्ग थिंग बॉडी एंड 4 लेग, आपको इसका नाम पढ़ना है, ठीक है। ये कास्ट रीजन में मिलता है, जो कास्ट टोपोग्राफी आप पढ़ते होंगे कि डोलामाइट देखते होंगे, ये सब चीज़ देखते होंगे, कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ते होंगे आप, तो ये वहाँ पे फाउंड किया जाता है, तो आपको याद रखनी है, आपको ये क्या पढ़ना है, प्री के टाइम से पढ़ना है चीज़ों को जल्दी जल्दी। तो लार्ज सब ट्रेंड एक्यूटिक मतलब कास्ट सिस्टम में फाउंड किया जाता है, लाइम स्टोन डोलामाइट देखो ये आ गया रॉक्स, ठीक है ना, फाउंड इन द केव एंट्रेंस के टाइम में आपको दिखता है, और इसके वाटर प्रेफरेंस रेंजिंग होनी चाहिए इतना डिग्री, मतलब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है आपको। तो ये कहाँ पे मिलता है, आपको वहीं पे मिलेगा, स्लोवेनिया, फ्रांस के आसपास, कटोरिया, इटली के जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जगह है। रिसेंटली 3 मतलब कि ओम्स हैज बीन फाउंड डिस्प्ले इन द, आपको कहाँ पे मिले, आपके स्लोवेनिया आपका पोस्टोजेना केव के अंदर मिले हैं, हेस्टिंग 2016 रेयर सक्सेसफुल ब्रीडिंग इनकी की गई थी, आप थोड़ा याद रखना। उसके बाद आता है आपका मैगेला नोडन करके जगह है, बाइकर्स बहुत डिफिकल्ट नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम चिपका देते हैं इन चीज़ों के, थोड़ा मैं बता दूँ चिल अर्जेंटीना में मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इंडियन प्रोस्पेक्टिव वैसे आप पढ़ोगे या फिर कोई रेयर स्पीसीज हो कई साल से ना मिली हो फिर बाद में उसे मिली हो तो आपको थोड़ा याद रखना है, बस थोड़ा इसमें यह क्या रखना है, ये बिलोंग करता है, जो बिलोंगिंग करता है आपका पैटिगोनिया बिलोंगिंग टू मैमल डेट लिव 74 मिलियन अगो, तो थोड़ा ओल्डेस्ट
सच डिस्कवर इन साउथ अमेरिका कंट्री, साइंटिस्ट अंडर कवर द थिंग विथ टीथ। तो इतना आपको याद नहीं रखना, आपको थोड़ा याद रखना ये नेशनल पार्क है, टोरिस डी पेनी नेशनल पार्क है, चिली के अंदर, चिली के अंदर है, आपको याद रखना। साइक्लोन आपका निस जो आया था, निसर्ग जो आया था आपका कहाँ पे आया था, अरेबियन सी में आया था, तो फाउंड इन अरेबियन सी। निसर्गा जो आया था ना ये कहाँ पे आया था, साइक्लोन ये आया था अरेबियन सी में, स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था, ठीक है ना। इंडियन जो आपका महाराष्ट्र जो एरिया था वहाँ के आसपास ये देखा गया था, ठीक है ना। ये पहला ऐसा साइक्लोन आया इस साइड में 1891 के बाद, इम्पैक्ट गुजरात में, इसका महाराष्ट्र बॉर्डर पर पड़ा था। तो निसर्गा इसे बोला गया था, सजेस्टेड बाय द बांग्लादेश। देखो जो साइक्लोन आते हैं ना इंडियन ओशन में, जो वहाँ की एक लॉ है मैं आपको बाद में कभी पढ़ाऊंगा, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री नाम देते हैं, उनके नंबर होते हैं। इस बार बांग्लादेश नाम देगा, इस बार थाईलैंड देगा, इस बार इंडिया देगा। तो इसका जो नाम दिया था निसर्गा, जो नाम दिया था वो बांग्लादेश ने दिया था इस बार, ठीक है ना। द ईयर 2019 स्लाइटली यूजुअल एज द अरेबियन सी सॉ द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड द इंटेंसिव साइक्लोन वहाँ पे देखे गए। देखो सारी चीज़ क्या है, अब क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, चीज़ें इधर उधर, हम भी इंसानों ने बहुत छेड़छाड़ की है चीज़ों के साथ, तो वही सारा क्लाइमेटिकल चेंज का हार्मफुल इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो फाइव जो मोर देन 100 ईयर वाला ऐसा साइक्लोन देखा गया, फाइव साइक्लोन ओरिजिनेट इन द एरिया 2019, पाँच साइक्लोन अरेबियन सी में आए हैं। उनका नाम है आपका वायु, आपका हिका, आपका कयारा करके महा और पवन करके इनके नाम दिए गए हैं। थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपको, वे ऑफ बंगाल से उठा के ये अरेबियन सी साइक्लोन है, आपको याद रखना है। फिर आता है गेम फार्मिंग। ये गेम फार्मिंग है क्या, इट इज़ ए प्लेस वेयर द गेम एनिमल आर राइज टू स्टॉप वाइल्ड लाइफ एरिया फॉर हंटिंग। मतलब एक तरह से गेम फार्मिंग क्या है, मतलब एनिमल रख देते हैं, एनिमल को राइज करते हैं, स्टॉक कर देते हैं वाइल्ड लाइफ एरिया फॉर हंटिंग, मतलब हंट करने के लिए, मत शिकार बोल दो एक तरीके से, तो पूरा एरिया फिक्स करता है। इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर सच एनिमल राइज टू सोल्ड द फूड एंड फोटोग्राफी, गवर्नमेंट ऑफ बोस्टवाना अफ्रीका की नेशन अनाउंस किया है वुड अलाउ फार्म जो फार्मर इन द कंट्री टू कीप स्मॉल गेम ऑन द फार्म टू इंक्रीज द लोकल पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए टूरिज्म बढ़ जाए, वो शिकार विकार के टाइम। तो गेम फार्मिंग आपको याद रखो, जो गेम फार्मिंग है मतलब क्या करेंगे, वो जो शिकार वाले जानवर है ना उनको वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में पैदा कर लेंगे, बहुत सारे उन्हें पैदा कर लेंगे, लोग आएंगे शिकार करेंगे उन एनिमल का, तो वो गेम फार्मिंग बोला गया एक तरह से। गेम खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हो गेम। फिर कैनिन आपके डिस्टेम्पर वायरस, जो मैंने अभी बताया एशियाटिक एलिफेंट की डेथ हुई थी, मतलब गुजरात में गिर के साइड डेथ हुई थी, तो उसके वायरस का नाम अफेक्टेड मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल। ये नहीं है कि ये लॉयन में आता है, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल में आता है। सिंगल आपका स्ट्रेंथ है आरएनए वायरस, क्योंकि जो वायरस होगा ना, जैसे कोरोना ये भी आरएनए वायरस है, ये फैमिली जो है आपका जो फैमिली से बिलोंग करता है वो उसका पैरम मैक्सोडिया वीरेडिकर के नाम है, इतना मत याद रखो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप बहुत टिपिकल बना के जाते हो पेपर का, उसमें हार्मफुल इफेक्ट आपका होता है, तो आपको याद रखना। फैमिली ऑफ वायरस कोजेज द मिसल्स हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन के अंदर। इन्फेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम करता है, ब्रेन में करता है, रेस्पिरेटरी में करता है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में करता है। वायरस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 20 डेथ ऑफ एनिमल, ये मैंने बताया था आपको, ऊपर ही बताया था, तो उनकी डेथ हुई है, ठीक है ना। अफेक्टेड बाय मतलब कि हाईली कॉन्टेज पेस्ट, जो नाम देगा डी पेस्टिस, आपका रिमिनेंट वायरस जो है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट हैड इशू ऑर्डर द लॉ एंड फ्रॉम गुजरात टू रीलोकेट इट टू द कुनो आपका नेशनल सेंचुरी इन मध्य प्रदेश फॉर द चेक अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ इपिडेमिक। थोड़ा रीलोकेट कर दो, वहाँ पे भेज दो, पहले चेक करो ये वायरस आया कहाँ से है, जो बचे हुए हैं जैसे हम करते हैं ना कि अगर यहाँ वायरस आ गया यहाँ से तो क्या करो, सारे वहाँ की जो लॉयंस हैं इनको शिफ्ट कर दो, पहले चेक करो कहाँ से वायरस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला भी था। फिर आता है आपका ब्लॉक काउंट मेथड। ये क्या है कि एक तरह से ब्लॉक काउंट मेथड क्या होता है, जैसे लॉयन देखा होगा ना उसमें ब्लॉक्स होते हैं, आपने देखे होंगे, तो उनको काउंट करके देखा जाता है कि काउंटिंग की जाती है, सेंसर किए जाते हैं। लॉयन सेंसर डन यूजिंग द ब्लॉक काउंटिंग मेथड इन विच सेंसर्स आर किया जाता है रिमेन स्टेटरी वाटर पॉइंट इन गिविंग द ब्लॉक, एस्टिमेट द अबंडेंस ऑफ द लॉयन इन द ब्लॉक, बस्ट इज अ डायरेक्ट फ्लाइट ऑफ द लॉयन, वी नीड टू ड्रिंक वाटर एटलीस्ट वंस 24 आवर। तो वो नहीं है, ये दूसरे ब्लॉक्स हैं, ये शायद मुझे लग रहा है कि जो ब्लॉक्स काउंटिंग है, एस्टिमेट जो किया जाता है ब्लॉक्स के, वो हिसाब से उसके पैर वैर के पानी पीने आसपास के निशान देखे जाते हैं, जब पानी पीने आते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में एक बार पानी पीने आएंगे, तो जब आएंगे चल के तो उनके ब्लॉक्स काउंट किए जाते हैं कि इसी उसका है। तो ब्लॉक काउंटिंग मेथड लॉयन सेंसस के लिए यूज़ किया जाता है, बस आपको ये याद रखना। फिर आता है नेचर इंडेक्स 2020। नेचर इंडेक्स 2020 क्या, एक जर्नल है साइंस का, ठीक है, नेचर रिसर्च
हैज़ बिन रिलीज द नेचर इंडेक्स. तो नेचर रिसर्च ने ही नेचर इंडेक्स निकाला है. नेचर इंडेक्स प्रोवाइडेड डाटाबेस ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च. ठीक है ना, कोलोब्रेशन विद इंस्टीट्यूशन, नेशनल रीजन में कोई हाई क्वालिटी रिसर्च हुई हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, उसको मतलब क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं जर्नल में. ये साइंस का जर्नल है, उसमें पब्लिश होती है. ठीक है ना, टॉप थ्री कंट्रीज इंडेक्स कौन से हैं, यूएस, चाइना और जर्मनी. ठीक है, उनकी रिसर्च है. इंडिया तो बहुत पीछे है, 12th इसका नंबर है इंडेक्स के अंदर. टॉप थ्री जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के कौन से हैं, CSIR होगा आपका, IAS है वो बेंगलोर वाला, उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. तो तीन जो इंस्टीट्यूट हैं उनको याद रखना, ये है इंडिया की 12वीं रैंक आई है. और नेचर इंडेक्स कौन है, ये नेचर रिसर्च इसको निकालता है, इस पेपर को वही निकालता है नेचर इंडेक्स को. तीन कंट्री ड्रॉप किया है, US, चाइना और जर्मनी ने. फिर आता है आपका, इतना ही करते हैं फिर हम इजी करेंगे कि लंबी वीडियो भी ना हो, 33 मिनट की वीडियो और 48 पेपर के आसपास पेपर है, मोस्ट हम फिनिश करेंगे. जून के हम पूरे कवर कर लेंगे, फिर जुलाई पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे हिंदू की PDF आपको, हिंदू के नोट्स डेली वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. प्लीज़ आप उससे जाके लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल. थैंक यू.